Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in on channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom plantae in details and in testing manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. Friends, welcome back to Honest Video. So today's topic is bryophytes. This is the lecture number of 3 of plant kingdom. So in bryophytes, we briefly discuss about the liver button mosses, what is the amphibians of plant kingdom, why it's called amphibian of plant kingdom, what is ecologically important of the bryophyte, what is economically important of the bryophyte. Each and every things we discuss in this particular video. So please stay tuned with me and watching video and enjoy the session. So let's start. तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवर बड्स. जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें हम वेरियस मॉसेस को इंक्लूड करते हैं और लिवर बड को इंक्लूड करते हैं. डेट फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉस शेडेड एरिया. जो हमारे ब्रायोफाइट्स का हैबिटाट क्या होता है, कहाँ पे हमारे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे हैं कि जो हमारे कॉमनली फाउंड ज़्यादातर जो हमारे पाए जाते हैं वो मॉस शेडेड एरिया पे, जहाँ पे हमारी छाया वाली जगह होती है और नमी वाली होती है हिल में. ठीक है, हिल में जो हमारी जो पहाड़ी होती हैं उनमें हमारी छाया वाली जगह होती है जहाँ पे और नमी होती है, वहाँ पे हमारे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं. ब्रायोफाइट्स में हम लिवर बड और मॉसेस को पढ़ते हैं. इसके बारे में आगे इसी पर्टिकुलर वीडियो पे इलिबरेट करेंगे आपको अच्छे से. तो हमको ये फिगर नंबर 3.2 दिया गया है. इसमें हमको बताया गया है कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स है, ये हमारा लिवर बड्स का दिया गया है. ये हमारा आर्किगोनियोफोर क्या होता है, थ्रेडियोफोर क्या होता है, ये हम आगे चल के बताएंगे आपको. ये हमारा लिवर बड का दिया गया है. ये हमारा मेल ये हमारा आर्किगोनियोफोर जो हमारा होता है फीमेल का होता है, और ये हमारा एंथ्रेडियोफोर जो होता है हमारा मेल का होता है. ये हम आगे चल के आपको बताएंगे. ये फीमेल जिमा कब दिया गया है, ये मेल जिमा कब दिया गया है. ये हमारे राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं. ये सब हम आगे चल के आपको बताएंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में. और सेकंड जो हमारा दिया गया है वो हमारा ये सेकंड जो हमको दिया गया है ये हमारा मेल थैली है, और ये जो हमारा सी दिया गया है ये हमारा फ्यूनेरिया है. फिनोरिया में हमारी गैमेटोफिटिक फेस क्या होती हैं, स्पोरोफिटिक फेस क्या होती हैं, है ना. ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या होती है हमारी, और टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या होती है, वो सब हम आपको बताएंगे इन डिटेल्स. और ये हमको जो डी फिगर दिया गया है हमारा स्फेग्नम का गैमेटोफाइट्स दिया गया है. तो आगे हम टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. तो ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. तो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे, उनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं. एम्फीबिया क्या होते हैं हमारे, ये हम सभी जानते हैं. एम्फीबिया हमारे वो होते हैं, एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है. बायोस का मतलब होता है हमारा लाइफ. जो एम्फीबियंस होते हैं मतलब वो अपनी लाइफ दो जगह सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जो हमारा फ्रॉग होता है उसको हम क्लास एम्फीबिया में रखते हैं, क्योंकि हमारा वो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, है ना. यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और वो अपना एक्वाटिक भी होता है, इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको हम ब्रायोफाइट्स को. ठीक है, ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट लिव इन सॉइल. ये प्लांट हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल पे भी रहते हैं, बट डिपेंड, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारा इनको वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाटर मीडियम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट होते हैं वो हमारे वाटर में रिलीज होते हैं, और वाटर के थ्रू ये आर्किगोनियोफोर में आर्किगोनियम में जाते हैं, जहाँ पे आर्किगोनियो की फ्लैश के सेव स्ट्रक्चर होती है वो हम सब आपको आगे बताएंगे, और जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, ब्रायोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे यूजली अकर्स इन डैम्प. जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे डैम्प प्लेस पे पाए जाते हैं. डैम्प प्लेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोई चीज़ इकट्ठा होता है, मतलब कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, उसको हम डैम्प प्लेस बोलते हैं. और ह्यूमिड का मतलब होता है जहाँ पर हमारा आर्द्रता हो, जहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट में नमी हो, और शेडेड लोकेलिटी मतलब जहाँ पर हमारी छाया भी हो वहाँ पर सारे पाए जाएंगे. दे यूजली अकर्स इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, है ना, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं. तो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन
बेयर रॉक और सॉइल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो हमारे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है हमारा, मतलब प्लांट सक्सेशन टू टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब वो होता है जहाँ पर हमारे पहली बार मतलब वहाँ पर प्लांट ग्रो हो रहा हो, है ना, पहली बार वहाँ उसके पहले कोई वहाँ पर प्लांट ना हो, ठीक है, कोई लाइफ ना हो, तो वहाँ पे हमारा प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। बेयर रॉक्स एंड सॉइल पे मतलब द इम्पॉर्टेंट प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल, तो ये हमारा क्या है, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है इसका, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैनकाइंड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम इकोनॉमिकली बोलते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। तो आगे हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आगे देखते हैं, द प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड डेट ऑफ एल्गा। जो हमारी प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की होती है तो उसमें हमारी मोर्स डिफ्रेंशिएट होती है एल्गा से। एल्गा की बॉडी जो होती है थैलस थी, थैलस लाइक थी, है ना, उसमें स्टेम रूट इन सब के बारे में नहीं था, बट इसमें स्टेम ट्रू रिप इसमें भी नहीं है, बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, बट वो ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है। तो इट्स थैलस लाइक एट प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये इसकी बॉडी जो हो सकती है वो थैलस लाइक हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकती है, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी हो सकती है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, जो हमारा सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है मतलब किसी आधार से जुड़ा होना, आधार से जुड़ा होने का मतलब किसी बेस से जुड़ा होना, है ना, उसको सपोर्ट के लिए, ठीक है। बाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड, तो यहाँ पे हमारा जो बेस का काम करेंगे, जोड़ने का सबस्ट्रेटम का काम करेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं। जो हमारे राइजॉइड होते हैं ब्रायोफाइट्स में, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हम राइजॉइड को रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारे यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, दे लैक ट्रू रूट। मैंने आपको बताया इसमें ट्रू रूट और लीफ और स्टेम नहीं होगा, बट दे लैक ट्रू रूट, ठीक है, स्टेम और लीफ, मतलब हमारी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती हैं। दे पोसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजॉइड बोलते हैं, है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेम और दे पोसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्लांट की ब्रायोफाइट्स प्लांट की बॉडी होती है वो हमारी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब यन होगा, ठीक है, और डिप्लॉइड हमारा 2n होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करता है, क्रोमोसोम को डिनोट करता है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये हैप्लॉइड होता है, प्लांट बॉडी इसकी यन होती है। तो इट प्रोड्यूस गैमिट, ये हमारा ब्रायोफाइट प्रोड्यूस गैमिट, हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट्स। ये हमारा प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है, वो गैमिट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, है ना। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो हमारे ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से मिलकर बना होते हैं, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो हमारे ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडियम होते हैं। मैंने आपको पीछे भी फिगर में बताया था, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ये सब बताया था, मैंने बोला था आपको आगे चल के बताएंगे, तो यहीं पे है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। दे प्रोड्यूस बाई फ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। जो एंथ्रीडियम से हमारा क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनता है, जो कि हमारा बाई फ्लेजिलेट होता है। बाई फ्लेजिलेट का मतलब हो गया उसमें दो फ्लेजिला होंगे। सपोज डेट दिस इज द एंथ्रीडियम एंड दिस इज वन फ्लैजला एंड दिस इज अनदर फ्लैजला, सो इट्स कॉल्ड बाई फ्लैजलेट, ठीक है, बाई फ्लैजलेट एंथ्रीडियम। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजलेटेड एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम से हमारा क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनता है, बाई फ्लैजलेटेड होता है, ये हम याद रखेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं, ठीक है। इट्स फ्लास्क सेप का मतलब होता है हमारा घड़े की नुमा के आकार की होगी, मतलब हमारी सुराही के आकार की इस टाइप की होगी, ठीक है, इस टाइप की होगी हमारी आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम। और यहाँ पे हमारा नेक में होता है, यहाँ पे हमारा जब मेल एंथ्रो
मेल गैमिट आता है और यहाँ पे हमारा आर्किगोनियम किन्नेक में होता है, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल आर्किगोनियोपोर इज फ्लैस्क शेप एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। ये फ्लैस्क शेप होती है और हमारी एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एंथ्रोडियम आर रिलीज इन वाटर, जो हमारा एंथ्रोजॉइड होता है, रिलीज इन वाटर इन टू वेयर दे कम कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम। ये एंथ्रोजॉइड जो होता है हमारा वाटर में रिलीज होता है, ये मेल गैमिट है, वाटर में रिलीज होगा, वाटर मीडियम से होते हुए ये आर्किगोनियम के फ्लास्क शेप जो होता है उसके माउथ से होते हुए नेक में आ जाता है, वहीं पे हमारा नेक में फर्टिलाइजेशन होता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो आर्किगोनियम की बॉडी पे होता है, माउथ पे होता है, कहाँ पे होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है आर्किगोनियम की नेक पे होता है। ये हम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है और ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, एंथ्रोडियम रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम कॉन्टेक्ट इन आर्किगोनियम एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ, जो एंथ्रोजॉइड होता है, एंथ्रोजॉइड मतलब मेल गैमिट होता है, फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस जैगोट। जो हमारा एंथ्रोजॉइड होता है, मेल गैमिट होता है, एग से फ्यूज करता है और हमारा क्या बनाता है, जैगोट बनाता है, है ना। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जैगोट कैसे बनता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारा फ्यूजन होता है, उसके बाद हमारा जैगोट बनता है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जैगोट बन गया। ठीक है, जैगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जो हमारा जैगोट होता है वो हमारा डू नॉट अंडरगो मतलब हमारा तुरंत नहीं जाता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है हमारा मियोसिस और इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है हमारा माइटोसिस, है ना। रिडक्शनल डिवीजन हमको दिया गया है तो यहाँ पे हमारे मियोसिस के बारे में बात होगी, क्योंकि हमारे जो गैमिट बनेंगे हमारा भाई, इसकी जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड है, जब हैप्लॉइड फ्यूज करेगा तो हमारा डिप्लॉइड बना देगा। ठीक है, हमारा ट्विजन बना देगा। ठीक है, तो हमारा ये है कि रिडक्शन डिवीजन पे हमारा नहीं जाता है जैगोट, हमारा ट्विजन बना, हमको अल्टीमेटली हमको हैप्लॉइड ही चाहिए। ठीक है, हमको अल्टीमेटली हैप्लॉइड चाहिए क्योंकि हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। अब जब हमारा यन होगा और यन आके फ्यूज करेगा तो ये हमारा बना देगा, ट्विजन बना देगा। अब ये ट्विजन तो हो गया डिप्लॉइड, तो हमको अल्टीमेटली तो हैप्लॉइड चाहिए क्योंकि हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा यानी मियोसिस होगी तभी तो हमारा ये रिडक्शन डिवीजन जाके ये हमारा हैप्लॉइड बन पाएगा, है ना। तो मेरा मेन तो यही है ना, तो इसीलिए बोला डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी। ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी डेट कॉल स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, हम देखेंगे भी। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपने आराम से रह नहीं सकता है, वो किसी पे डिपेंड है। डू नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। जो हमारा होता है स्पोरोफाइट होता है हमारा, ये एक डिप्लॉयड बॉडी है और ये हमारा फ्री लिविंग नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में जो हमारा डोमिनेंट कंडीशन होती है वो हमारी गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट होती है हमारी ब्रायोफाइट्स में। जो हमारी होती है गैमेटोफिटिक फेस हमारी ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होती है, और जो हमारा टेरिडोफाइट्स में होगा उसमें हमारी डिप्लॉयड कंडीशन डोमिनेंट होगी, यानी स्पोरोफिटिक फेस हमारी डोमिनेंट होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। मतलब हमारा जो होता है स्पोरोफाइट जो होता है हमारा वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो हमारा अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो हमारा गैमेटोफाइट्स होता है वो हमारा फोटोसिंथेटिक होता है और हमारा वजन बनाता है, तो हमारा स्पोरोफाइट इसी पे अटैच होगा और इसी से हमारा नरिशमेंट लेगा। ठीक है, ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है, नरिशमेंट इसी से लेगा। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जो हमारी कुछ सेल होती हैं स्पोरोफाइट्स की वो हमारी रिडक्शन डिवीजन, यानी हमने बात किया था मियोसिस के बारे में, रिडक्शन डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं, वो रिडक्शन डिवीजन में चली जाती हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर बना देती हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स, और ये हमारे
स्पोर्ट्स जो होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं और गैमेटोफाइट हमारा बना देते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है हमारा वो हमारी गैमेटोफाइट जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है हमारा वो टूजन होता है यानी डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट। जो ब्रायोफाइट्स की होती है इन जनरल हम देखें तो उसकी लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो हमारा ह्यूमन मैनकाइंड के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट वो होता है जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, है ना। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। ब्रायोफाइट्स की जो हमारी है इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कम है, ब्रायोफाइट इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, बट सम मॉसेस प्रोड्यूस फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल। कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट तो कम है, बट ये हमारे कुछ मॉस जो होते हैं सब मॉस होते हैं हमारे, क्योंकि ब्रायोफाइट में मॉस और लिवर बर्ड को ही पढ़ते हैं, तो कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो हमारे कि हर्बेसियस मैमल्स को, हर्बेसियस मैमल्स वो होते हैं जो हर्ब मतलब चारा जो छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना। बर्ड्स जो होती हैं हमारी चिड़ियाँ होती हैं एंड अदर एनिमल का चारा होते हैं। ठीक है, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम जो होता है हमारा स्फैग्नम को हम पीट मॉस बोलते हैं, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है पीट मॉस। ठीक है, हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम जो कि हमारा एक मॉस है, प्रोवाइड पीट डेट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल। ये हमारा स्फैग्नम जो कि एक मॉस है ये हमको पीट प्रोवाइड करता है जो कि हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं स्फैग्नम। ठीक है, एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और ये ट्रांसशिप में पैकेजिंग मटेरियल के तरीके यूज करते हैं, मतलब कोई चीज़ हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम इसको स्फैग्नम को रैप कर देते हैं, यानी जिस जिसको मंगवा रहे हैं जिस चीज़ में उसमें स्फैग्नम लगा देते हैं, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है ना, नमी को सोख लेता है, जो हमारी चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती है, है ना। इसलिए हम इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पे कंसाइडर करते हैं, पीट मॉस बोलते हैं स्फैग्नम को हम, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस। जो मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस जो हमारे मॉस थे और लाइकेन के साथ मिलकर क्या बना रहे थे ये हम देखेंगे। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। जो हमारे मॉस थे वो हमारे लाइकेन के साथ, लाइकेन जो होता है हमारा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहाँ पे जो हमारा लाइकेन होता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है वो पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं करता है, जहाँ पे स्पेशली लाइकेन हमारा ये सोटू पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होता है। ठीक है, स्पेशली पूछा जाए तो ये सोटू पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होगा। अगर पूछा जाए कि हमारा लाइकेन क्या होता है, लाइकोन इज द पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, वो पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं करता है। तो हमारा जो मॉसेस और लाइकेन मिल के मतलब बेयर रॉक, मतलब ऐसी जो हमारी रॉक पड़ी चट्टाने पड़ी हुई थी उनमें कॉलोनाइज हो रहे थे, और वहाँ पे धीरे धीरे उनको डिग्रेड करके, जो हमारी रॉक थी उनको डिग्रेड करके सॉइल बना रहे थे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज कॉलोनाइज रॉक ऑन हिंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो हम इसको इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट में कंसाइडर करेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल। ये रॉक को यानी चट्टानों को डिकम्पोज कर रहे थे और सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, और वो हमारे सबस्ट्रेट को सुटेबल कंडीशन बना रहे थे हमारे हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उनको रॉक को डिग्रेड करके ये वहाँ पे सॉइल बना रहे थे, सॉइल बनाएंगे तो हमारे हायर प्लांट ग्रो होंगे, है ना। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल। जो हमारे मॉस होते हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मॉस होते हैं हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, तो जैसे सिंस मॉसेस फॉर्म ए डेंस मैट ऑन सॉइल, ये हमारी ज़मीन पे एक मोटी सी चादर मतलब एक चटाई की तरह एक डेंस मैट बना रहे थे। ठीक है, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फेलिंग रेन। जो कि क्या कर रहे थे, हमारा जो हमारी बारिश होती है उसके फॉल होने को, उससे जब बारिश हमारी गिरती है, बारिश का पानी गिरता है तो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी कट जाती है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना एक तरह से। ठीक है,
सोयल इरोजन मतलब मिट्टी कटती है, तो वो डेंस मैट बना ले रहे थे, तो वहाँ से मिट्टी कट नहीं पा रही थी, उसको रोक रहा था, प्रिवेंट कर रहा था सोयल इरोजन को। ठीक है, द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इंटू लीवर बैट एंड मॉसेस। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीवर बैट एंड मॉसेस में, है ना। सो हम आगे देख लेते हैं अब लीवर बैट के बारे में। लीवर बैट क्या होता है? लीवर बट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट। लीवर बट जो होता है हमारा, ये हमारा यूजली मॉइस्ट में ग्रो होता है, सेडी हैबिटाट पे ग्रो होता है, सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, है ना, मार्सी ग्राउंड पे। मार्सी ग्राउंड का मतलब होता है जहाँ पे मार्सी एरिया, वो होती है जहाँ पे हमारा दलदली होता है, दलदली भूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारी मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। कभी हम देखते हैं दलदली भूमि पे तो हमको बबल्स टाइप के दिखते हैं, तो वो हमारे मेथेन गैस के प्रोडक्शन होते हैं, उससे हमारी मेथेन गैस बनती है, इस वजह से वो दिखते हैं हमको। और डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल देखते हैं जहाँ पे हमारी सॉइल जमा होती है, वहाँ पे देखते हैं बेयर ऑफ ट्री, बेयर ऑफ ट्री, है ना, एंड डीप इन वुड, सॉरी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ की छाल पे और लकड़ी पे हमारे ग्रो होते हैं, सॉरी बार्क ऑफ ट्री का मतलब पेड़ की छाल पे। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर बट इज थैलॉइड। जो हमारी लीवर बट की प्लांट बॉडी होती है वो हमारी थैलॉइड होती है। इसमें इसका एग्जांपल जो हमारा लीवर बट का है वो मार्चेंटिया है। मार्चेंटिया की बॉडी थैलॉइड होती है, और हम देखेंगे रिक्सिया, रिक्सिया की बॉडी हमारी सिंपलेस्ट होती है, है ना। मार्चेंटिया में हमारा फोर थीटा कैप्सूल पाया जाता है, जब आगे पढ़ेंगे, और रिक्सिया में हमारा सिंपलेस्ट बॉडी होती है उसमें। ठीक है, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है ना, क्लोजली अप्रेस्ड टू सब स्टेट, क्लोजली अप्रेस्ड टू सब स्टेट। द लीफी मेम्बर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेज। जो हमारा इसका लीफी मेम्बर्स होता है, इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं, टिनी का मतलब छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं, इन टू रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा एक ये एक ये रो होगी, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं, तो इसको टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्टेम एक रो पे। ठीक है, सो द लीफी मेम्बर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेज हैज रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जो लीवर बट में होता है वो कैसे होता है, ये हम देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर बट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये हम एलगी से पढ़ते चले आ रहे हैं, एलगी में भी मैंने देखा था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैली या थैलाई जो भी पढ़े आप, बट पढ़े। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, मतलब हम इसकी थैलाई को काट के कहीं और रख देंगे या फेंक देंगे तो हमारा नई इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बना देगा। और बाई द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल जीमा, जीमा या गीमा जो भी पढ़ें आप, बट पढ़ें। ठीक है, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जीमा बोलते हैं इनको, सिंगल इसकी होती हैं, ये प्लूरल है जीमी, एंड इसका जो सिंगलर है वो जीमा है। ठीक है, जीमा क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कि जीमा क्या होता है, किस टाइप का होता है। जीमा आर ग्रीन होती हैं, इसके कैरेक्टर से देगा, जीमा ग्रीन होती है, ब्राउन होती है, रेड होती है, कैसी होती है ये देगा। और ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है या मल्टी सेलुलर होती है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे हमको दिया है मल्टी सेलुलर होती है। अब ये सेक्सुअल बर्ड होती है या एसेक्सुअल बर्ड होती है, तो ये भी हम देखेंगे, ये हमारी होती है एसेक्सुअल बर्ड होती है। जो हमारी जीमी होती है वो ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है, और एसेक्सुअल बर्ड होती है, ये हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। जो जो कि हमारा स्मॉल रिसेप्टिकल पे डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं जीमा कप। ठीक है, जीमा कप, जो हमारी जीमा जो होती है वो कहाँ पे डेवलप होती है, कहाँ पे बनती है। स्मॉल रिसेप्टिकल्स का मतलब होता है छोटा सा धारण करने वाला, मतलब कफ जो हमारी जीमा को धारण करे वो रिसेप्टिकल्स बोलेंगे उसको हमारा। तो हमारी जीमा जो बनती है वो हमारी जीमा कप में बनती है। ठीक है, लोकेटेड ऑन थैलाई, जो कि हमारा थैलाई पे लोकेटेड होता है, प्लांट बॉडी पे लोकेटेड होता है हमारा जीमा कप, और उसी में हमारा जीमा बनता है। ठीक है, सिंपल सा। द जीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जो हमारा होता है जीमा पेरेंट से डिटैच हो जाता है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और हमारा ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और हमारा न्यू इंडिविजुअल बना देगा, इसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा होगा फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट आके फ्यूज करेंगे, है ना।
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाइन। जो ये हमारा है ये क्या बोल रहा है, जो हमारा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाइन। तो इसको हम समझ लेते हैं, ये हमें बोल रहा है कि सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होगा हमारा तो उसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो सेम थैलाई पे प्रोड्यूस बनेंगे या हमारे डिफरेंट थैलाई पे बनेंगे। जो जैसे हमारा सेम थैलाई पे बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस का मतलब होता है सेम, मोनो मतलब एक, सियस मतलब हाउस, एक ही जगह पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनने, उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। और इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और इसी को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, बाई मतलब दो और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है, ना सेक्सुअल से रिलेटेड है, तो बाईसेक्सुअल। तो इसको हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो होता है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एच एम बी, ठीक है। तो यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाईसेक्सुअल, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। जो सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई, है ना, अगर सेम में बनेंगे तो हम इसको मोनोसियस बोलेंगे, बाईसेक्सुअल बोलेंगे और हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। और अगर हमारा अलग अलग बनेंगे तो उसको हम डायोसियस बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे और हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है हमारा फूड सीटा कैप्सूल, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है हमारा वो फूड सीटा कैप्सूल पे हमारा डिफरेंशिएट होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, जो हमारा मियोसिस हो जाता है आफ्टर मियोसिस जो हमारे स्पोर बनते हैं, मियोसिस का मतलब होता है मियोसिस दिया हमारा रिडक्शन डिवीजन। अगर रिडक्शन डिवीजन होगा हमारा स्पोरोफाइट होता है हमारा वो डिप्लॉयड बॉडी होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो हमारा हैप्लॉयड बॉडी बनेगा, तो इसका मतलब जो हमारा स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, है ना, हैप्लॉयड होगा हमारा स्पोर, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। आर प्रोड्यूस, जो हमारा आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, यानी हमारा स्पोर जो होता है वो कैप्सूल में बनता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये जो हमारे होते हैं स्पोर्स जो बनता है उससे हमारा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है। हमने आपको बताया था हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमको अल्टीमेटली हैप्लॉयड चाहिए ब्रायोफाइट की कंडीशन पे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के केस में हमको अल्टीमेटली हैप्लॉयड चाहिए, तो हमारा मियोसिस होगा वो हमको अंत में हैप्लॉयड ही मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स में हमारी गैमेटोफिटिक फेस जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं मियोसिस के बारे में, तो हमारे क्या होते हैं मियोसिस क्या है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज गैमेटोफाइट्स, जो हमारी प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है मॉस की वो लाइफ साइकिल में क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, जो कि हमारे टू स्टेज कंसिस्ट करती है, यानी हमारे ब्रायोफाइट्स में लिवर बॉड मॉसेस आते हैं और उनमें हमारी जो डोमिनेंट फेस होती है वो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉयड डोमिनेंट फेस होती है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट इसमें मॉसेस में हमारी गैमेटोफिटिक फेस में भी दो कंडीशन, दो स्टेज होती हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है, जो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है उससे हमारा प्राइमरी प्रोटीनिमा बनता है, और जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा होता है तो उसको हम लीफी स्टेज बोलते हैं, है ना। जो स्पोर्स होता है हमारा, जो हमारा स्पोर होता है हमारा उससे हमारा प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटोनिमा होता है, उससे हमारा प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, और जो हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उससे हमारा लीफी स्टेज बनता है, हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हमारा लीफी स्टेज बनता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं द मॉस में देखते हैं
द प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज प्रोटीनी. फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीनिमा की होती है वो हमारी विच डेवलप फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर. जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटीनिमा की वो हमारी डायरेक्टली स्पोर से बनती है, जो कि हमारा क्रिपिंग होता है मतलब रेंगता हुआ होता है, ग्रीन होता है एंड ब्रांच होते हैं. फ्रिक्वेंटली फ्रेगमेंटाइज स्टेज होती है. जो हमारी प्रोटीनिमा स्टेज होती है वो हमारी हरी होती है, ब्रांच होती है मतलब उसमें शाखाएँ होती हैं. फिलामेंटस होती है क्रिपिंग मतलब रेंगती हुई की स्ट्रक्चर होती है. बट सेकंड स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज होती है. जो सेकंड स्टेज जो लीफी स्टेज होती है जो कि हमारी सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप होती है एज ए लेटरल बर्ड. ठीक है, लेटरल बर्ड की तरीके डेवलप होती है. दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइड जो कि हमारा लीफी स्टेज होता है ये कंसिस्ट होता है एक अपराइड होती है. सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स. स्पायरली अरेंज लीव का मतलब होता है धागे की नुमा एक लीफ अरेंज हो, उसमें ऐसे स्पायरली अरेंज लीफ हो. ठीक है, दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रोजेट. मैंने आपको बताया था जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं. राइजॉइड जो होते हैं हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये ट्रू रूट्स नहीं होते हैं. ये रूट का काम होता है हमारे प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना. तो उसी तरह हमारे जो ब्रायोफाइट्स के केस में, मॉसेस के केस में हमारे जो राइजॉइड हैं ये भी हमारी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करेंगे. ठीक है, दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड. दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन. ये हमारी स्टेज होती है वो सेक्स ऑर्गन बियर करती है. अब इसमें क्या है हमारा, अब फिर हमको दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन. हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारा, ये ए टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो हमारा जो मॉसेस में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्रेगमेंटेशन होगा एंड बडिंग के होगा, है ना. सेकेंडरी प्रोटीनिमा मॉसेस ये हमने देखा है, तो इसमें हमारा बडिंग होता है. ठीक है, इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाई फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट. जो हमारे इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडियम जो होते हैं हमारा वो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और आर्किगोनियो हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं, जो कि हमारे एपेक्स ऑफ लीफी शूट पे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमारा जाइगोट डेवलप इंटू स्पोरोफाइट. तो हमारा जाइगोट हमारा स्पोरोफाइट में बन जाएगा. जाइगोट डेवलप इंटू ए स्पोरोफाइट्स. स्पोरोफाइट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल. जो हमारा स्पोरोफाइट्स होता है वो हमारा फूड सीटा और कैप्सूल को कंसिस्ट करता है. ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल को कंसिस्ट करता है. द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेटेड देन लिवर बर्ड. तो हमारा इसमें क्या दिया है, द स्पोरोफाइट इज मोर इलैबोरेट देन लिवर बर्ड. जो हमारा मॉसेस का स्पोरोफाइट होता है वो हमारा मोर इलेबोरेट होता है मतलब थोड़ा एडवांस टाइप का होता है. एडवांस टाइप का किस लिए होता है, क्योंकि हमारा जो लीवर बट में हमारा स्पोरोफाइट था वो हमारा टोटली डिपेंड था हमारे गैमेटोफाइट पे. टोटली डिपेंड होने का मतलब वो हर चीज़ उसी से लेगा, गैमेटोफाइट से हर चीज़ लेगा. बट हमारा जो इसमें मॉसेस में जो हमारा स्पोरोफाइट है वो हमारा टोटली डिपेंड नहीं है हमारा गैमेटोफाइट पे, ये हमारा पार्शली डिपेंड है. इसमें सिर्फ नरिशमेंट लेगा, बाकी अपनी खुद की ज़रूरत खुद पूरी कर लेगा. ठीक है, इसलिए हमको बोला गया है मोर इलेबोरेट देन लीवर बर्ड. ठीक है, द कैप्सूल कंटेन स्पोर. जो हमारे कैप्सूल होते हैं उसमें हमारे स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल में हमारे स्पोर्स होते हैं. स्पोर आर फॉर्म आफ्टर म्योसिस. हमने आपको बताया था जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो हमारे म्योसिस के बाद बनते हैं, क्योंकि हमारे जो होते हैं ब्रायोफाइट का केस हम पढ़ रहे हैं तो हमको अल्टीमेटली हेप्लॉइड ही चाहिए. तो हमारे रिडक्शन डिवीजन होगा, म्योसिस होगा, तभी हमारे स्पोर बनेंगे. ठीक है, द मॉसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन. जो हमारे मॉसेस में होते हैं एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सन का, मतलब स्पोर्स जो हमारे बनेंगे वो कैसे फैलेंगे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे फैलेंगे, डिस्पर्स होंगे. तो उसके लिए एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, बाई एयर करंट से हमारे फैलते हैं. ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, जो कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारे मॉसेस के कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे, वो क्या है, फ्यूनेरिया हो गया, है ना,
और पॉलीट्राइकम हो गया और स्पैग्नम हो गया, फिनोरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया और स्पैग्नम हो गया, ये हमारे मॉसिस के एग्जांपल हैं। तो मॉसिस में एक जो फिनोरिया होता है हमारा इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है भाई, एयर करंट से हमारे इसकी स्पोर्स जो होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, जिससे अपने ये प्लांट का अस्तित्व बनाए रखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ, इनकी एक जो हमारी इनकी जनरेशन बनी रहे ये वहाँ पर अपना प्लांट बनाए, ठीक है। सो हम ये देखते हैं जो हमको 3.2 हमारा फिगर दिया गया था एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमको दिया गया है, ए फिगर दिया गया है ये, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स में लीवर बड्स का है और ये हमारा फीमेल थैली का है, क्योंकि आर्किगोनियोफोर यानी आर्किगोनियम जो हमारा होता है फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, और जो एंथ्रिडियम होता है ये हमारा मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। तो हम ये देख लेते हैं, जो राइजॉइड होते हैं हमारे ये ब्रायोफाइट्स में, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। ये हमारी जीमा कब होती है, जिसमें हमारी जीमा बनती है, इसमें हमारी जीमा बनती है, जो कि हमारी जीमा एक थैलाई होती है और ये हमारी पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है और हमारी नई प्लांट बॉडी का नई प्लांट बॉडी बना लेती है, ठीक है। ये आर्किगोनियोफोर एंड थ्रेडियोफोर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये हम देख लेते हैं, इसको हम फिगर से ही ऊपर से ही पहचान सकते हैं, बाकी सब कुछ तो सिमिलर है। तो इसमें देख लो ये फीमेल है भाई, तो फीमेल थोड़ा सा दच के बैठती है ना, है ना, बहुत सीधी फीमेल सा दच के देखने में बड़ी अच्छी, मतलब शांत स्वभाव की लगती है, बट बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर में देखने में तो बहुत सीधी लग रही है, और ये बेचारा एक मरगिल्ला सा देखो, ऐसे गंदा शकल कर लिया बैठा है मेल, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो राइजॉइड है ये भी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो सकता है, ये भी हमारी जीमा कप, इसमें भी जीमा कप में हमारी जीमी बनेगी और ये हमारी पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, हमारा फिर मेल प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया लीवर बट में, ठीक है, ये मार्चेंटिया का हो गया हमारा, ये मार्चेंटिया का एग्जाम्पल मार्चेंटिया का है, ठीक है। ये मार्चेंटिया का हमारा फीमेल बॉडी है, ये हमारा मेल बॉडी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं मोसेस में, ये हमारा सी दिया गया है, ये हमारा फ्यूनेरिया का दिया गया है, ठीक है। ये हमको देखो इसमें दिया है, यहाँ पे बताया गया है, जो ब्रायोफाइट्स में ए है हमारा मार्चेंटिया का है, और मार्चेंटिया में हमारी फीमेल थैलस है और हमारी मेल थैलस है। उसके बाद हमको दिया गया है सी, जो हमको दिया गया है ये फ्यूनेरिया का है हमारा, ये हमारा फ्यूनेरिया का है, ठीक है। फ्यूनेरिया में हमारा गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दिया गया है, गैमेटोफाइट जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है इन ब्रायोफाइट के केस में, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हमारा डोमिनेंट है, तो वो हमारा नीचे होगा, है ना, जो हमारा डोमिनेंट है मतलब जो जिस पे हम डिपेंड होंगे, तो हम जिस पे डिपेंड हैं, हम लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, सो फैमिली पे डिपेंड होगा, जो फैमिली का मेन मेम्बर होगा वो सबसे बेस्ट पे होगा, मतलब वही सबका भार संभालेगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स हो गए इसमें, गैमेटोफाइट्स के बाद ऊपर हमारा स्पोरोफाइट दिया गया, स्पोरोफाइट जो होता है हमारा गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है टोटली और पार्सली, वो हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें जो राइजॉइड है ये भी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हैं, इसकी मेन एक्सिस होगी ये, और ये होगी लीफ, होगी ये लीव्स होगी, लीव्स हमारी हैं, लीव्स हैं, और ये हमारा सीटा है, सीटा, और ये कैप्सूल है हमारा जहाँ पे हमारे स्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्यूनेरिया का दिया गया है, और ये हमारा स्पैग्नम का दिया गया है, स्पैग्नम जिसको हम पीट मॉस बोल रहे थे, ठीक है। इसमें एंथ्रेडियल ब्रांच होती है, एंथ्रेडियल ब्रांच का मतलब मेल ब्रांच, एंथ्रेडियल का ब्रांच मतलब मेल ब्रांच, ठीक है, मेल ब्रांच। और ये आर्किगोनियल ब्रांच होती है, जो हमारी फीमेल ब्रांच होती है, ठीक है। तो हम ये इसमें ब्रायोफाइट्स तो हमारा ख़त्म हो गया, ब्रायोफाइट्स में हम ये देख लेते हैं हमारे जो हमारा होता है ब्रायोफाइट्स में, जो हमारे लीवर बड्स जो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स में वो हमारे कौन कौन से होते हैं, लीवर बड्स ब्रायोफाइट में हमारे कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो लीवर बड्स में हमारे आते हैं एक मार्चेंटिया आता है और हमारा एक रिक्सिया आता है, ठीक है, जो कि मार्चेंटिया होता है हमारा, वो इसमें फोर सीटा कैप्सूल पाया जाता है, जो रिक्सिया होता है हमारा वो सिंपलेस्ट लीवर बड होता है हमारा, रिक्सिया होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ब्रायोफाइट्स ख़त्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टेरिडोफाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर डेड जिम्नोस्पर्म के बारे में, फिर एंजियोस्पर्म के बारे में जिसको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं, फिर आफ्टर डेड हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे जो हमारा मॉर्फोलॉजी का होगा, ठीक है। सो थैंक यू।
टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे. इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड विद मी वॉचिंग वीडियो. टिल एंड यू हैव ए नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.